खबर है आगरा से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ताजमहल के पूरी गेट पर मौजूद एक सी काली मस्जिद के बारे में, जहां रहता है हर वक्त जिन्नातों का साया, जिसका नाम है संदली मस्जिद और यह मस्जिद काली मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। आपको बता दें कि इस मस्जिद में शाहजहां की पहली बेगम कांधारी बेगम का मकबरा बना हुआ है और लोगों का कहना है कि यह एक जिन्नती मस्जिद है और यहां मन्नत मांगने पर जिन्नातों द्वारा मन्नत को पूरा भी किया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं संदली मस्जिद की क्या है पूरी कहानी। आपको बता दें कि आगरा में वैसे तो बहुत सारी मुगलिया इमारतें हैं जिन्हें देखने के लिए सात समुंदर पार से लोग खींचे चले आते हैं, लेकिन हम आपको आज ताजमहल के पूर्वी गेट पर मौजूद शाहजहां की पहली बेगम कांधारा बेगम की मकबरे के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मकबरा संदली मस्जिद परिसर में मौजूद है। इस मस्जिद को काली मस्जिद, जिन्नातों की मस्जिद और संदली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे जिन्नातों की मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जिन्नातों का साया हर वक्त रहता है और लोग उन्हें बिल्लियों के रूप में देखते हैं और महसूस भी करते हैं। इसके साथ ही बिल्लियों से मांगी हुई मुरादें जल्दी कबूल भी होती हैं, इसलिए इस काली मस्जिद भी बोला जाता है और इस मस्जिद में ऊपरी चक्कर का भी इलाज किया जाता है। शाहजहां की पहली बेगम कांधारी की मजार पर आज भी सैकड़ों की तादाद में बिल्लियां रहती हैं। खास बात यह है कि बिना किसी बैर के कुत्ता, बिल्ली और बंदर एक साथ रहते हैं। संदली मस्जिद को शाहजहां की पहली बेगम कांधारी बेगम की याद में बनवाया गया था। इसी परिसर में कांधारी बेगम की भी मजार है जहां कांधारी बेगम को दफनाया गया। कहा जाता है कि शाहजहां सबसे बड़ी बेगम कांधारी को भोग विलास का जीवन जीना पसंद नहीं था और यही वजह था कि शाहजहां इन्हें बेहद कम पसंद करते थे। उन्हें जानवरों से बेहद प्रेम था जिसकी वजह से आज भी उनकी मजार पर पूरे मस्जिद परिसर में कुत्ता, बिल्ली, बंदर एक साथ बड़े प्रेम से रहते हैं। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी नाम है सुनील जी। यहाँ पर आप कब से आ रहे हो? आ रहे काफी साल से आ रहे हैं। क्या कुछ मान्यता है यहाँ की? बहुत ज्यादा मान्यता है, सब लोग जिन के आते हैं सब यहाँ पर। किसी के जैसे कि संदली मस्जिद के नाम, संदली मस्जिद के नाम से जी है, उनका नाम काजरी बेगम है। काली मस्जिद क्यों कहा जाता है? काली मस्जिद का नाम रखा गया वैसे, काली मस्जिद कही जाती है। जैसे कि लोग यहाँ आते हैं बिल्लियों का क्या कुछ? वो मन्नत मांगना है, जैसे बिल्ली अगर चाहे कितनी भूखी है अगर तुम्हारा काम भी बनना तो खा भी नहीं सकूँ, और अगर काम बनना है तो चाहे कितना पेट भर जाएगा तो गोशाले चली जाएगी। और यहाँ का थैली वैली का क्या कुछ? भान जाते ना मन्नत का, हमारी पूरी हो जाए तो आते हो खुल जाते हो होती है, वैसे आते हो सब इतने यहाँ लगता है। जिन्नाती मस्जिद भी कहा जाता है, जिन्नाती मस्जिद का जिन्ना भी रहते हैं यहाँ पर, जिन्नातों का साया है, साया है यहाँ पर जिन्नातों ये है। फिर आगे जो हाफिज बुलंद साहब है वो जिन्नात के गुरु है, वो पढ़ाया करते हैं जिन्नातों को, तालीम दिया करते थे जिन्नातों को, सारे साथी जिन्नात के नाम से मशहूर है।